हेलो, आपका स्वागत है नए वीडियो में। सबसे बात कर लेते हैं चेन्नई एफसी के बारे में। तो चेन्नई एफसी करंटली बात कर रहे हैं क्रिश्चियन बैतुचियो के साथ, एंड क्रिश्चियन बैतुचियो एक सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर 31 एज इनका, इटालियन प्लेयर है। चेन्नई करंटली लाइक बातचीत चल रहा है, एंड सेंट्रल मिडफील्ड के साथ साथ डिफेंसिव मिडफील्ड मिडफील्ड भी खेल सकते हैं। लास्ट सीजन ये इसराइल के क्लब में था जिनका नाम है नेस जियोना, एंड उससे पहले इन्होंने यूनम पुमस जो कि मेक्सिको का काफ़ी बड़ा क्लब, उससे पहले टोक्यो में भी खेला है, मतलब जापान में खेला है बेसिकली, एंड उससे पहले फ्रांस में भी स्टेट ब्रेस्टोइस में खेला है, वेटफर्ड जैसे क्लब्स में खेला है, यूडिस कैल्सियो में खेला है। तो सी बड़े काफ़ी हाई प्रोफाइल प्लेयर आप इसे कंसिडर कर सकते हो। करंट मार्केट वैल्यू 2.8 करोड़ है, और अगर हम लोग देख ले सो लाइक यू नो चेन्नई के लिए एक अच्छा साइनिंग हो सकता है। और अगर हम लोग लास्ट सीजन का स्पेसिफिकली लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस देख ले, लास्ट सीजन इसराइल में थे तो लास्ट सीजन इनको टोटल 16 मैचेस खेला था, बस ही असिस्ट दिया था, इनको ज्यादा कुछ प्ले टाइम वहां पे मिला नहीं है, लाइक बिल्कुल भी ज्यादा प्ले टाइम नहीं मिला है। 16 मैचेस में इन्होंने सब्स्टिट्यूट ही खेला है। हाँ, परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट हाँ अगर मौका मिलेगा तो उम्मीद है कि चेन्नई में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर रहेगा। अभी भी साइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो देखते हैं कि क्या ये फाइनली चेन्नई एफसी में आते हैं नहीं। नेक्स्ट ओवर हैदराबाद एफसी की तरफ से, तो हैदराबाद एफसी भी करंटली बात करें फिलिप एमोरिमिस के साथ, एंड फिलिप एमोरिमिस एक 32 ईयर ओल्ड विंगर है, एंड इनका साइनिंग एक्चुअली ऑलमोस्ट हैदराबाद ने कंप्लीट कर लिया, लगा पकड़ के चलो कि साइनिंग कंप्लीट हो चुका है। लास्ट कुछ बेसिक पेपर वर्क एंड वो एक मेडिकल चेकअप होता है वो बाकी है, और उसके बाद ऑफिशियली भी हैदराबाद जल्दी इनका साइनिंग अनाउंस कर देंगे। एंड ब्राजीलियन प्लेयर है, और लास्ट सीजन ये थे थाईलैंड थाई लीग में, चियांगरी यूनाइटेड में थे, एंड लेफ्ट विंग पोजिशन के प्लेयर है बेसिकली। और ओवरऑल लाइक इनका परफॉर्मेंस भी लास्ट सीजन आप बोल सकते हो कि बढ़िया परफॉर्मेंस था, एंड इससे पहले इन्होंने ब्राज़ील में ही ज़्यादातर साल खेला, ब्राज़ील के टॉप टीयर में ही इन्होंने खेला है। और लाइक यू नो अगर हम लोग देख ले लास्ट सीजन इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक एवरेज आप कंसिडर कर सकते हो। एंड अगर हम लोग स्पेसिफिकली एकदम स्टैटिस्टिकली देख ले तो इन्होंने टोटल 29 मैचेस में 8 गोल एंड 2 असिस्ट दिया है, सो ठीक ठाक लाइक इनको भी मोस्टली एज अ सब्स्टिट्यूट भी काफ़ी ज़्यादा मैचेस इनको यूज किया गया था, सो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। एंड देखते हैं कि हैदराबाद में इनका परफॉर्मेंस आने वाले सीजन में कैसा रहता है। नेक्स्ट हमारे एफसी गोवा की तरफ से, बहुत लोग पूछते हैं कि यार अल्वारो वास्केस अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है, उन्होंने एफसी गोवा का प्री सीजन ज्वाइन नहीं किया, सो बेसिकली अल्वारो वास्केस को लेकर अभी तक गोवा ने ही डिसीजन नहीं लिया है कुछ। सो अभी के लिए भी अल्वारो वास्केस को वो लोग लोन आउट करने का ही सोच रहे, क्योंकि एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है गोवा के साथ, एंड वो अभी फुल्ली रिलीज करना नहीं चाहते एफसी गोवा। सो मोस्ट प्रोबेबली अल्वारो वास्केस को हम लोग फिर से केरला ब्लास्टर्स एफसी में देख सकते हैं, केरला के साथ बात चल रहा है एंड प्रोबेबिलिटी और चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि केरला में वो जाएंगे, क्योंकि गोवा रेडी है उनको रिलीज करने के लिए। इसी के वजह से अल्वारो वास्केस अभी तक गोवा के स्क्वाड में ज्वाइन नहीं हुए, क्योंकि उनके जगह में ऑलरेडी रिप्लेसमेंट है, तो वहां पे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एंड मेरे सबसे एक अच्छा ही कॉल है गोवा के लिए, क्योंकि लास्ट सीजन अल्वारो वास्केस का परफॉर्मेंस अच्छा था नहीं, एंड इस सीजन वो उनके जगह में रिप्लेसमेंट तो ऑलरेडी है उनके पास, एंड उनको वो अभी फुल्ली रिलीज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लेयर काफी बड़े हैं इसको लेकर भी कोई डाउट नहीं है, काफी बड़े ही प्लेयर है अल्वारो वास्केस। अगर इस सीजन में वो लोन आउट होते हैं वहां पे जिस भी क्लब में जाते, चाहे वो केरला हो या फिर दूसरा क्लब हो, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो डेफिनेटली आगे वाले टाइम में वो इनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड करवा लेंगे। सो प्लानिंग यही है गोवा का। अब देखते हैं कि क्या अल्वारो वास्केस फाइनली गोवा में रहते हैं नहीं, या फिर क्या वो कोई दूसरे क्लब में जाते हैं नहीं, इसको लेकर आपके क्या थॉट्स है आप कमेंट कर मुझे जरूर बताना। सो गाइस ये आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा, वीडियो पसंद होगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के बीच में, एंड अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना ताकि मैं जब भी कंटेंट अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन, एंड मिलते हैं के साथ, तब तक के लिए बाय।